हिमाचल विच हो रही भारी बरसात कारण पौंग डैम की महाराणा प्रताप झील विच पानी की मात्रा लगातार बढ़ रही है। अज पंजाब अते हिमाचल की हद विच पैंदे सभा विच भारी पानी दरिया विच आउण कारण जदों पशु दरिया विच फस गए तां BBMB फेयर सर्विस अते हिमाचल प्रदेश वाटर स्पोर्ट्स टीम वल्लों उन्हां नूं बचाया गया। इस मौके BBMB दे चीफ इंजीनियर अरुण सिधाणा ने लोगों को अपील की कि भारी बरसात कारण इत्थे पानी आ रहा है, लोग पानी वाली थां ते ना जाण। अते इस मौके हिमाचल पुलिस संसारपुर टैरिस की टीम भी मौजूद सी। हिमाचल प्रदेश तो दलजीत सिंह अजनोहा दी 09 TV लई खास रिपोर्ट। देखिए पानी तो अपना रास्ता ले गई, हमें अपना बचाव रखना है। यहाँ पे वो उधर गुजर बैठे हुए नदी के किनारे, उनको हटाने में इतनी मशक्कत करनी पड़ी, पुलिस ले जानी पड़ी। इधर ही जानवर, आगे भी जानवर फंसे हुए हैं। NDRF की टीम भी देहरा भी फोन किया, साइमल्टेनियसली बहुत सारे काम एक साथ किए। जी जी, लेकिन उसमें से एक काम से सक्सेस हो गया हमारा, और इसी तरीके से हमें आगे भी सीख लेनी चाहिए कि हमेशा मिलजुल के काम करें, वॉलंटियर्स के साथ वॉलंटियर को आइडेंटिफाई करें। हमारे समाज में इतने अच्छे अच्छे वॉलंटियर्स हैं जो आप सोच भी नहीं सकते कि कितना अच्छा काम करते हैं, और इस तरीके से मिलजुल के सारा काम सही से हो जाता है। और कम्युनिकेशन का गैप नहीं होना चाहिए, मॉडर्न इक्विपमेंट होना चाहिए। जैसे उनको नहीं मालूम था उनको इक्विपमेंट क्या चाहिए यहाँ बचाने के लिए, तो उनको हमने ऑन साइट बताया कि यहाँ पे इन्फ्लेटेबल बोट लाओ, हमारी फायर सर्विस रस्सा लाई है ना, कोई वॉलंटियर आया, इस तरीके से एक टीम बना के इसको रेस्क्यू को इफेक्टिवली सक्सेसफुली कर लिया गया। तो आपने जो रेस्क्यू किया बारे की जानकारी दी, अज सवा खाडे पानी आया तो इन पशु सीगे, इन्हों असी वाटर स्पोर्ट्स हिमाचल साढ़े BBMB का फायर टीम तो साढ़े RM तो मकैनिकल डिविजन के एक्सीएन साहबान तो उन्होंने टीम, असी सारे ने एक कोऑर्डिनेट करके इन्हों रेस्क्यू कर लिया सक्सेसफुली। तो मेरा यह निवेदन रहेगा जेडे भी लो लाइन च बैठे है कि वो आप दे आप नू सुरक्षित स्थाना ते शिफ्ट कर लैन, क्योंकि मीह बहुत पैन लग रहा है तो पानी का कोई पता नहीं। कल तो ये सवा खड सुकी सी, तो अज दिने एकदम तो लगभग 10,000 तो उत्ते पानी चलन लग पिया, इन्हें आप दे आप नू सुरक्षित रखन। तो रेस्क्यू ऑपरेशन साडा सारा दे करके बहुत वधिया तरह नाल हो गया है। NDRF की टीम हाले नहीं पहुंची जी, साढ़े को उन्होंने इतलाह कर दी थी पर हाले तक साढ़े को डैम की पोजिशन अज 1375 तो उत्ते लेवल हैगा, जोड़े इनफ्लोज है 60,000 प्लस से लगभग है। हाँ जी, आउटफ्लो तो वही 40,000 39,000 कुछ 40,000 है। नहीं खतरे का निशान तो 1390 साडा लेवल हैगा, उस तो 15 फुट थले हैगा, पर जिस हिसाब नाल मीह पै रहा है कुछ भी नहीं किया जा सकता।